गॉर्जेस वेलकम और वेलकम बैक टू दैनल गाइज आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन से कुछ कुर्ती कुर्ता सेट और कुछ प्लाजो है जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि दी हमारे साथ कुछ अफोर्डेबल रेंज में प्लाजो आप शेयर कीजिए जो कि हम एज अ फेस्टिव वेयर भी यूज़ कर सकें और साथ ही साथ डेली वेयर या फिर ऑफिस वेयर की तरह भी उनको यूज कर सकें तो आई एम प्रिटी श्योर की आज की जो ये कलेक्शन है हॉल वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है तो so अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और अगर इसी तरीके से की और हॉल वीडियोस या फिर क्लोथिंग वीडियोस आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली को बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी बनाइएगा इन सभी प्रोडक्ट्स के जो डिटेल हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एक सिंगल लिंक है माई हॉल स्टोर जहां पर आज का पूरा कलेक्शन आपको एक सिंगल क्लिक में मिल जाता है और चलिए आप जल्दी से चलते हैं और आज का हॉल पिटारा चेक करते हैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ आज के हॉल का मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो कि कुछ इस तरीके से येलो कलर की कुर्ती है ये है से और आफ्टर डिस्काउंट मुझे फोर हंड्रेड थर्टी गई है और स्टिल फोर थर्टीज आपको जिसका की ये आगे से आपको राउंड नेक मिलता है पूरी नेक लाइन पे आपको कुछ इस तरीके की ब्यूटीफुल्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है रेड येलो और ऑरेंज कलर का कुछ इस तरीके से बहुत ही फाइन फिनिशिंग है और साथ में आपको मिल जाता है ये फॉल्स मिरर वर्क जो कि प्लास्टिक का है तो काफी ज्यादा लाइट है और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है रेन है तो स्किन फ्रेंडली है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी प्यारी सी नेक लाइन मिल जाती है पूरे कुर्ते में आपको कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर का और वाइट कलर का प्रिंट वर्क मिल जाता है थ्री फोर क्वार्टर स्लीव हैं और स्लीव के एंड पे इन्होंने कुछ इस तरीके से रेड कलर की पाइपिंग इसमें लगाई हुई है बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता है गाइस और बहुत ही सॉफ्ट है रेथरस ब्रांड में मैं के साथ पहले भी काफी सारे कुर्ता सेट्स जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ फर्स्ट टाइम मैंने कुर्ती ली है एंड really हुआ है, और भी जो है इसका काफी और अच्छा है बिल्कुल भी वो चुभने वाला बहुत ज्यादा येलो शेड नहीं है तो ये जो है आपको पूरा कुर्ता कुछ इस तरीके से मिलेगा ए लाइन कुर्ता है इसकी परफेक्ट फिटिंग आई है एंड आई थिंक सीजन में एकदम टोटल वर्थ है और बहुत ही प्यारा रहने वाला है ये पीस अगर आप वेयर करते हो तो पूजा पाठ में आप इसको वेयर करोगे तो बहुत ही कंफर्टेबल भी है बैक साइड पे आपको ये कुर्ता एकदम प्लेन मिल जाता है इसी तरीके से सेम प्रिंट जो है है इसका पूरा कुर्ते में जा रहा ऊपर से लेके नीचे तक काफी अच्छी फिटिंग आई है गाइज इसकी और इसमें एक प्लस पॉइंट जो मुझे लगा कुर्ते में कि इसमें ना काफी सारे कलर्स हैं तो आप इसके साथ रेड ऑरेंज ब्राउन वाइट मतलब किसी भी तरीके की लेगिंग फिर प्लाजो वेयर कर सकते हो और काफ़ी ब्यूटीफुल है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है क्वालिटी का कोई इशू नहीं है एंड ट्रस्ट मी आइज़ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आँख बंद करके आप पिक कर सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है ज़रूर ट्राई ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट जो कि मैंने लिया है गुलमोहर जयपुर से ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिल गया है सिक्स ट्वेंटी का और अगर साइज़ की बात करें तो स्मॉल से लेकर के डबल एक्सल साइज आपको इसमें ईजिली अवेलेबल है एंड स्टिल इसका जो डिस्काउंट प्राइस है वो सेम है आप चाहो तो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो इसमें इस, इस शेड के अलावा फोर टू फाइव कलर ऑप्शन और हैं तो आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आपके ऊपर आप आप भी, भी, भी ले लिया है तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका कुर्ता कैसा है कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट आ जाता है जो कि राउंड नेक है और नेक लाइन पर आपको ब्यूटिफुल सा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है कुछ इस तरीके से ब्राउन बेच कलर का और ऑरेंज रेड कलर का साथ में आपको मिल जाता है, हो है -छोटे से इसमें बने हैं, और काफी प्रिटी लगता है कुर्ते का जो मटीरियल है वो है रेन तो काफी ज्यादा स्किन फ्रेंडली भी है और लाइट है गाइज वेयर करने में इसको आप दिन भर इजीली वेयर कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है थ्री फोर क्वार्टर स्लीव आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके से एकदम प्लेन सेम बेस कलर पे विद दिस फॉइल प्रिंट का वर्क छोटे छोटे स्टार्स बने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं तो ओवरऑल अगर आप इस कुर्ते को देखोगे तो एकदम प्रॉपर है अगर आप इसको किसी भी फेस्टिवल में वेयर करना चाहते हो छोटा मोटा आपका कोई पार्टी वगैरह या फंक्शन है उसमें भी काफी प्यारा रहने वाला है और छह सौ रुपए कुछ का तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट स्टील डील इसी तरीके से नीचे आपको ये एकदम प्रिंटेड मिल जाता है फॉयल प्रिंट का वर्क इसमें फिटिंग भी जो है इसकी एकदम परफेक्ट आई है जैसे आपको ये कुर्ता एकदम प्लेन मिल जाता है कुछ इस तरीके से

और इस पैंट के दोनों तरफ आपको मिल जाती हैं पॉकेट्स ये देखो पॉकेट वाला ऑप्शन तो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है नाइम श्योर की आपको भी अच्छा ही लगता होगा क्योंकि आप अपनी काफी सारी ना छोटी मोटी चीजें इसमें रख सकते हो अगर आप पर्स कैरी नहीं करना चाहते हो तो, तो कुछ इस तरीके की फिटिंग की आपको सॉलिड कलर में पैंट मिल जाती है और पैंट का जो मतलब नीचे बॉटम है ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है इस तरीके से आपको इसका ये नीचे से बॉटम मिल जाता है जिसमें कि छोटा सा बो लगाया हुआ है इसमें आपको दे रखा है इस तरीके से एक टच बटन तो आप जब इसको बंद कर लेते हो ना वेयर करने के बाद तो ये एकदम परफेक्ट फिट ले लेता है आपके पैर में फिट हो जाता है तो बहुत ही यू नो एक डिफरेंट सी लुक देता है और काफ़ी प्यारा लगता है सॉलिड कलर है ब्राउन कलर तो आप इसको किसी और कुर्ती के साथ भी पेयर अप कर सकते हो सो अ परफेक्ट स्टील डील गाइस इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए नेक्स्ट शेयर करूँगी गाइज आप लोगों के साथ ये सा इंडो एरा का कुर्ता सेट जो कि मुझे आफ्टर डिस्काउंट नाइन नाइन्टी का मिल गया है और साइजेस इसमें अवेलेबल हैं एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के डबल एक्सिल सॉलिड कलर का आपको ये कुर्ता मिल जाता है कुछ सिल्क मटेरियल में है और बहुत ही प्यारा मटेरियल है इसका काफ़ी लाइट वेट है सॉलिड कलर में पूरा कुर्ता प्लाजो और इसका दुपट्टा है सेम इसी पिंक कलर में आपको मिल जाता है और इसमें इस कुर्ता के अलावा आपको चार पाँच कलर ऑप्शन और मिल जाते हैं तो आपको जो भी कलर पसंद है आप वो ले सकते हो मैंडेरियन कॉलर मिल जाता है आपको इस तरीके से फ्रंट में और यहाँ पर अगर आप देखो इसकी नेक लाइन पे आपको कुछ इस तरीके से जो है पोटली बटन्स मिल जाएंगे थ्रू आउट जो कि बहुत ही नीट है काफ़ी अच्छी फिनिश है इसकी एंड इंडो एरा नो डाउट काफी अच्छा ब्रांड है ट्रस्टेड है और इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है थ्री फोर क्वार्टर स्लीव्स आपको मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से इसमें और यहाँ पे जो है इन्होंने ऑफ वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है बट ये जो है पैच अटैच किया हुआ है इन्होंने इसी सेम क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है ये पैच है जो इसमें लगाया है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और रिच लुक देता है गाइज़ ये कुर्ता वेयर करने के बाद थ्रू आउट आपको ये कुर्ता इसी तरीके से सॉलिड कलर में मिलेगा बहुत ही प्लेन है बट काफ़ी रिच और रॉयल एलिगेंट लगता है गाइज़ ये वेयर करने पर और इसके सारे ही जो कलर्स हैं काफ़ी न्यूट्रल हैं, तो आपकी कोई भी एज हो या कैसा भी स्किन कॉम्प्लेक्शन हो सारे ही कलर्स जो हैं परफेक्टली जाते हैं आपके ऊपर और बैक साइड पे आपको मिल जाता है ये कुर्ता कुछ इस तरीके से एकदम प्लेन सॉलिड कलर है तो आप इसको किसी भी प्लाजो वगैरह के साथ वेयर कर सकते हो या फिर इसका जो प्लाजो है वो आप किसी भी कुर्ता के साथ वेयर कर सकते हो आई I मीन mean, ऐसे जो सॉलिड कलर वाले ऑप्शन होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं पेयरिंग कर सकते हो आप उनकी किसी भी कुर्ता या फिर प्लाजो के साथ इस कुर्ता के साथ आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का पैंट जो कि हाफ इलास्टिकेटेड है फ्रंट में आपको मिल जाएगी बेल्ट और पीछे से ये इलास्टिकेटेड है और इंडो एरा के गाइस हर पैंट में प्लाजो में आपको वन साइड पॉकेट और डीप पॉकेट होती है काफ़ी अच्छी डेप्थ होती है इनकी पॉकेट्स की ये मिल जाती है एकदम अच्छी वाली फिटिंग है इसकी रेगुलर फ़िट है रिलैक्सड फिट है आपको बिल्कुल भी टाइट या फिर यू नो महसूस नहीं होगा एंड ये गाइज एक चीज़ और ये सिल्क ब्लेंड में कुर्ता ज़रूर है पूरा सेट बट इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और सॉफ्ट मटेरियल है कहीं से भी ना इचीनेस नहीं होगी कई बार क्या होता है जो सिल्क ब्लेंड वाली मटेरियल होते हैं कई लोगों को स्किन इरिटेशन होती है तो वो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है साइड में आपको ये दो ड्रॉस्ट्रिंग भी मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए तो कुछ इस तरीके से सॉलिड कलर की है इसकी पैंट दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा भी जो है वो आपको सेम कलर में सॉलिड कलर में मिल जाता है दुपट्टे की जो लेंथ है है एकदम प्रॉपर है और एक चीज और गाइज इसके दुपट्टे के दोनों तरफ आपको जो है इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है और कट डिटेलिंग मिल जाती है ऑफ वाइट कलर में कुछ ऐसी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है और ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है गाइज इन्होंने दोनों तरफ किया हुआ है ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है तो दोनों तरफ आपको ये एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरे कुर्ते में मिल जाता है और दोनों साइड्स पे इन्होंने कुछ इस तरीके से जो है दुपट्टे के टैसल वर्क लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है पिंक और बेज कलर का जैसे कि इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है चारों तरफ कुर्ते के पॉइंट्स पे आपको सेम यही टैसल वर्क मिल जाता है और ये है इसका दुपट्टा काफी ज्यादा प्रिटी और रिच लग रहा है ये वेयर करने के बाद और कलर जो है मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया पिंक तो आई मीन इट्स सो फेमिन हर लड़की को हर लेडी को मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पिंक कलर पसंद ना आए तो अगर आपको ये भी कुछ ऐसा रॉयल सटल सी आप चीज़ पहनना चाहते हो इस फेस्टिव सीजन में तो आप इसको भी ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं इसे अब आपके साथ शेयर करूँगी मैं कुछ प्लाजोज़ जो कि मैंने लिए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर और सही में बहुत ही अच्छी क्वालिटी और फिट जो है इनका मुझे मिला है पहला प्लाज़ो जो है वो कुछ इस तरीके से है अमेज़ॉन के ख़ुद के इनहाउस ब्रांड तवस्या से है और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिल गया है थ्री सेवेंटी एट रुपीज़ का साइज़ एक्सेस की बात करें तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के डबल एक्सल आपको मिल जाता है और सेम पैटर्न में आपको अलग अलग मतलब प्रिंट्स और कलर्स में इसमें कम से कम ट्वेल्व टू थर्टीन प्लाजोस और मिल जाते हैं जो कि आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आपको ये फुली इलास्टिकेटेड मिल जाता है प्लाजो इसके आगे आपको मिल जाती है एक ड्रॉ स्ट्रिंग और साइड में भी आपको दो ड्रॉ स्ट्रिंग मिल जाती हैं तो आप इनको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से ये रिलैक्स्ड फिट में आपको प्रिंटेड प्लाजो मिल जाता है कुछ इस इस तरीके से टैल ब्लू और ग्रे वाला जो शेड होता है ना वो है इसका और इसमें कुछ इस तरीके से पूरा प्रिंट किया हुआ है इन्होंने ब्लू के ही फैमिली के सारे कलर्स इसमें यूज किए हुए हैं और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं काफी अच्छी फिटिंग आई है इसकी गाइज मतलब ये देखिए इसका जो है एक पैर का पूरा जो है कुछ इस तरीके से फिट आता है काफ़ी अच्छा है कंफर्टेबल है और इसका जो मटेरियल है गाइस 100 परसेंट कॉटन है आई I मीन mean, 378 सेवेंटी में इस तरीके का एकदम क्लासी सा प्लाज़ो जो है इसको आप चाहो तो टॉप के साथ वेयर कर सकते हो कुर्तीज़ के साथ वेयर कर सकते हो क्रॉप टॉप के साथ वेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छा पीस है और uh, मतलब आप किसी छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो फैमिली में लंच डिनर के लिए जा रहे हो तो इस तरीके के प्रिंटेड प्लाज़ोज़ को अगर आप किसी भी कुर्ती या टॉप के साथ वेयर करते हो तो काफ़ी कम्फर्टेब बल भी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा ना यू you नो know, शीक लुक देता है अब काफी प्यारा लगता है तो आप इनको जरूर ट्राई करके देखिएगा एक लेकर के देखिए अगर आपको पसंद आता है तो कलर ऑप्शंस भरे हुए हैं गाइस मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स और प्रिंट हैं चेक जरूर करिए गाइस मैंने लिया है अमेजोन के ही ब्रांड एम वाई एक और बेसिक सॉलिड कलर में प्लाजो जो कि कुछ इस तरीके से है ये जो है ये भी आपको 100% परसेंट कॉटन मटीरियल में मिल जाता है और आफ्टर डिस्काउंट ये जो है मुझे टू फिफ्टी का मिला है साइजेस की बात करें तो इसमें स्मॉल से लेकर के डबल एक्सेल साइज़ ईजीली अवेलेबल है और इस शेड के अलावा आपको तीन कलर्स और मिल जाते हैं इसका जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ क्रीम ऑफ वाइट कलर सा एक प्लाजो है वो शेयर कर चुकी हूँ जो कि काफ़ी लोगों ने ख़रीदा और उसके कुछ साइज़ जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए थे बट अब इन स्टॉक हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने आपकी बार फूशा पिंक कलर का लिया है प्लाज़ो पूरा जो है आपको फुली इलास्टिकेटेड मिलेगा और इसमें भी आपको तीन ड्रॉस्टरिंग मिलेंगी दो साइड में और एक फ्रंट में मिल जाती है और इसका जो मटेरियल है 100 परसेंट कॉटन है और ये भी काफ़ी फ्लेरी है सॉलिड कलर है तो आप इसको किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो और वेयर करने के बाद इसकी जो फिटिंग आती है ना गाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगती है आई मीन जस्ट लव विद दिस वन क्योंकि इसका मैं ऑफ uh, वाइट वाला ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अच्छा है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट और श्यर नहीं है गाइज़ ये और और आप ना मतलब किसी भी प्रिंटेड कुर्ती क्योंकि मेरे पास काफी सारे येलो और ब्लूज़ हैं तो उनके साथ ये परफेक्टली जाने वाला है तो आप इसको भी डेफिनेटली करिएगा इस फेस्टिव सीजन में क्योंकि काफ़ी ब्राइट कलर है इसके साथ अगर आप कुछ यू नो लाइट कलर का कुर्ता ऊपर से वेयर करते हो जैसे कि ऑफ वाइट कलर हो गया बेज कलर हो गया फॉर दैट मैटर ब्लू या फिर येलो शेड हो गया तो वो इस प्लाजो के साथ काफी ज्यादा प्रिटी और सोबर लगने वाला है तो जरूर चेक करिएगा गाइज हाईली रिकमेंडेड है ये दोनों जो प्लाजो मैंने आपके शेयर किए हैं क्वालिटी बहुत ही अच्छी है हंड्रेड परसेंट कॉटन है एंड देन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है फॉर द डे गाइस आई रियली होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा काफ़ी सारी वीडियोज आने वाली हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए तब तक अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखेगा टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड सिया